राजगीर के गर्भकुंड के 160 रुपए के जी, बहुत बढ़िया है, मीठा है, बच्चों को पसंद आएगा। इस तरीके की सीलिंग आती रही है। ये देखिए जयप्रकाश उद्यान है और यहाँ से निकलते हैं लोग, सोन मंडार इसको कहते हैं। घोड़ा गाड़ी का आनंद लिए जा रहा है। आपको पूरा जगह घूमते हैं तो 440 कर पड़ेगा। हम लोग गवर्नमेंट रेट है, एक से चार रहिएगा ना तो 440। एक आदमी से एक एक आदमी रहे, चार आदमी रहे 440। गाड़ी जाएगी तो 440 लेना जी। एक रहे जो दो रहे, तीन रहे, चार रहे। बोध गया से आते आते लगभग हमें शाम हो गई थी। शाम होने के बाद घोड़ा गाड़ी का आनंद लेते हुए राजगीर के गर्भकुंड की ओर चल पड़े। वहीं से बाजार आता है, वहां हमने नाश्ता भी किया, जिसमें मैंने एग रोल बनवाया जो आप देख रहे हैं। और नाश्ता करने के बाद फिर आगे बढ़े। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते चल रहे हैं कि राजगीर में किन किन स्थानों पर सैलानी आते हैं। कृपया बने रहे हमारे साथ, आपको पूरा आनंद राजगीर का हम देंगे। ईश्वर कुंड के लिए आए थे तो उससे पहले ये श्री कुंड दुर्गा पूजा समिति का ये मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर जो स्थापित किया गया है, स्थापित सन 1968, बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य। ये ऊपर तक आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए दो शेर, गब्बर शेर जो है यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं आपको ऊपर का दृश्य दिखाता हूँ। ऊपर का दृश्य देखिए, ये देखिए कितना शानदार चमक रहा है पूरा मंदिर। तो आइए चलते हैं सूर्यकुंड की तरफ। ये छोटे छोटे चबूतरे यहाँ बने हुए हैं जिनमें जो है माला फूल के स्टॉल्स लगते हैं, यहाँ मेला लगता है। और इस स्टॉल्स में जो है ये फूल लगते हैं, माला फूल के, सिंगार के सामान। इस तरीके से ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं चबूतरे बने हुए हैं, इन्हीं सब में माला फूल पूजा सामग्री, सिंगार के सामान चढ़ाने वाले सारी चीजों के यहाँ स्टॉल्स लगती हैं। अब आइए आपको ले चलते हैं ब्रह्मकुंड की तरफ, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जैनों का भी तीर्थ स्थान है, आप ये देख रहे हैं, ये श्री प्रसवनाथ जैन और श्री श्वेतांबर जैन, यहाँ पर उनका भी आश्रम बना हुआ है। और ये देखिए सामने आपको ये छोटी छोटी दुकानें, होटल जहाँ आप रुक सकते हैं, रह सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, नाश्ता पानी कर सकते हैं। जब हम लोग सूर्य कुंडी की तरफ जाते हैं तो ये देखिए छोटी मोटी सिंगार के सामान की स्टॉल्स लगी हुई है, महिलाओं को छपता हुआ आप ले सकते हैं। यहाँ से आप प्रसाद की सामग्री आप ले सकते हैं, सिंगार की सामग्री भी ले सकते हैं। ये ब्रह्म कुंड हम लोग आ चुके हैं, देखिए एक घड़ी लगी हुई है। ये हम लोग, ये मेन गेट है, क्योंकि हम लोग दुर्गा माता मंदिर की तरफ से आए इसलिए जो है ये गेट फ्रंट गेट है। और ये देखिए ये गेट है, ये ऐसे पूरा बना हुआ है,
पूरी मार्केट बनी हुई है जहाँ ढेर सारी दुकानें हैं। आप आइए, घूमिए टहलिए और परिवार को भी ला सकते हैं। आइए चलते हैं अंदर। कुंड के पास एक बागीचा बना हुआ है जहाँ बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। इसी स्थान पे बुद्ध ने कुछ समय ध्यान लगाया था सत्य की खोज के लिए। आइए चलते हैं ऊपर, आपको ले चलते हैं। ऊपर ऊपर सीढ़ी करके आ जाएंगे। सबसे पहले आपको ये राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति, हनुमान जी देखिए बैठे हुए हैं, ये सबसे पहले आपको मिलेगा। रात में भी कितना सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखाई पड़ता है। नीचे जो है लोग स्नान करते हैं, इसलिए जो है वहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। ये ब्रह्मकुंड मंदिर अभी ऊंचाई पर बना हुआ है। जो आप देख रहे हैं ये गर्म कुंड है, यहाँ प्राकृतिक रूप से जो है पहाड़ों से पानी गर्म आता है। तो ये गर्म पानी और ठंडा पानी क्या चक्कर? जितना भी कुंड है सब में गर्म पानी, इसे पूरा गर्म पानी है। यहाँ स्नान करने के लिए कई जगह स्थल है और जहाँ हर कुंड से गर्म पानी ही निकलता है, ठंडा पानी नहीं निकलता, इसलिए यहाँ पे लोग नहाने का स्नान हमेशा लेते रहते हैं, ठंडी जो गर्मी। ये देख सकते हैं यहाँ आरती के समय है, आरती हो रही है। आगे शीतल कुंड भी है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, अगर वहाँ पर रोशनी होगी तो जरूर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ के हर एक कुंड में आपको गर्म पानी ही मिलेगा, इसीलिए बुद्ध यहाँ पर स्नान ध्यान करते थे। ये बाग है उनका, यहीं पे ध्यान लगाते थे और यहीं पे स्नान करते थे। देखा कि एक ये मीनार के ऐसा रखा हुआ, तो मैंने कहा ये क्या है, क्या चीज है, इसके बारे में जान लिया जाए। क्या कहते हैं इसको भैया? खाजा। ये मीठा रहता है? अच्छा, कैसे है ये? अरे एक पीस और टेस्ट करने के लिए मिलेगा? आइए टेस्ट करके देखते हैं, है क्या मीठा खाजा, आखिर ये कैसे होता है। भाई हमारे तो खाजा अलग टाइप का होता है। अरे थोड़ा टेस्ट कर दो, ये मीठा खाजा, ये मीठा खाजा। हमारी तरफ खाजा व्हाइट व्हाइट सा होता है, बड़ा बड़ा सा बनाते हैं, फ्लफी रहता है। मीठा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैसे किलो है ये? 160 रुपए केजी। बहुत बढ़िया है, मीठा है, बच्चों को पसंद आएगा। और जब भी आइए तो जरूर लीजिएगा, देख लीजिए। ये बिजलेरी की पैकिंग, देखो सेम पैकिंग लग रही है जो बिजलेरी की हो। ये देखिए, आपको दिखा दे, ये सील पैक कहाँ रहता है बिजलेरी में? इस तरीके की सीलिंग आती नहीं है। ये मैंने देखा, हमने कहा इसकी जो है वीडियो बनाते हैं। ये कहाँ किसने बनाया, ये कंपनी डिटेल इसमें है।
कंपनी की डिटेल ये इसमें है। हम जा रहे हैं वो ग्लास ब्रिज, इंडिया का दूसरा ऐसा ग्लास ब्रिज है जो देखने लायक है, और उसी के बगल में स्तूपा है और वहाँ पे सिंगिंग ब्रिज भी है। मैं आपको दिखाता रहूंगा, बने रहिए। गया से आप जो है यहाँ राहगीर के लिए बस लगातार मिलती रहती है, आप वहां बस लेकर के यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत गजब की जगह है ये, पूरा पर्यटक स्थल बनाया गया है फैमिली के लिए, फैमिली के साथ आप आकर यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। राहगीर बस स्टॉप से होते हुए जब आप यहाँ वापस आएंगे तो पहली बात तो आप यहाँ लिफ्ट लेके आ नहीं सकते हैं, यहाँ स्पेशल गाड़ियों की परमिशन होती है, वही गाड़ियाँ जा सकती हैं जिनको परमिशन बना होता है। तो हमने यहाँ पे एक बैटरी वाली गाड़ी जो रिक्शा है उसको हमने लिया और ये बस आप बस स्टॉप से होते हुए चले आएंगे सीधे। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, चार रास्ते हैं, ये देखिए जयप्रकाश उद्यान है और ये होते हुए आपको यहाँ से राइट हैंड साइड में वो आपको खुद ही ले जाएगा जो आपको टमटम है, आप टांगा भी कर सकते हैं, बैटरी वाली गाड़ी है जो यहाँ के डीएम ने स्पेशली पास दिया है उनको, वही गाड़ियां यहाँ के अंदर जा सकती है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये साइन बोर्ड, आप देख लीजिए, अगर ये बोर्ड गया जाना है तो सीधे निकल जाइए, सोन भंडार जाना तो आपको राइट लेना होगा, राजगीर नालंदा जाना है तो पीछे आपको जाना होगा, उसके बाद फिर इसे होते हुए ये आप चले आइए मनियार मठ की रोड पे आपको निकलना है, इधर आप चले आइए। आपको खुद ही जो है वो जो गाड़ियां जाती हैं यहाँ पे जिनका परमिशन हुआ है, या तो आप पर्सनल गाड़ी लेके आइए तो आप उसे आप खुद निकल सकते हैं, वो खुद ही आपको लेके आएगा। इसके अंदर पहले जो है हिरन पाए जाते थे मृग विहार, उनको इस चीज के लिए बनाया गया था स्पेशल, लेकिन अब सब जो है सफारी में आ गया। यहाँ जो भी पानी निकल देख रहे हैं आप, ये धरती से निकल रहा है पानी, यहाँ पे ढेर सारे कुंड बने हुए हैं, ये देखिए टूरिस्टों की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे आज विजिट करने आए हैं जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पार्किंग है, यहाँ ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर अंदर जाने के लिए यहाँ की जो बसें प्रोवाइड की गई हैं उन्हीं बसों के द्वारा ही आप अंदर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते आप। इसमें कभी यहाँ सोने की खोज हुई थी, सोना यहाँ निकला था, सोन भंडार था ये, तो इसका नाम ही सोन भंडार कर दिया गया। अंदर ये गुफा है, अब ये डिटेल इसके बारे में हम आपको, ये यहाँ जो बोर्ड है सोन भंडार के बारे में, ये इसका स्क्रीनशॉट आप रोक करके अब इसको देख सकते हैं, मैं इसकी फोटो लास्ट में लगा भी दूंगा। लास्ट में ये सारी फोटोज में लगा दूंगा। ये जब तक बस आ रही तब तक जो है आपको कुछ इसके अंदर का दृश्य दिखा दे, ये देखिए ये पूरी ऐसे एंट्रेंस गुफा है, ये देखिए जहां से निकल रहे हैं लोग, एंट्री गुफा है इस सोन भंडार से, सोन भंडार इसको कहते हैं, सोन भंडार। ये बकायदा देखिए गार्डन बना हुआ है, तो आइए सबसे पहले जो है हम टिकट ले लें, नहीं तो यहाँ टिकट काउंटर 2 बजे के बाद बंद हो जाता है। यहाँ पर जो है मंकी बहुत है, मंकी उससे आप बचे रहिएगा, हाथ में कुछ भी
खुला मत लीजिएगा, मास्क चेक कराइए। ये देखिए मास्क बहुत जरूरी है, मास्क लगा के ही आए। ये प्रतिदिन मात्र 800 लोगों को ही टिकट यहाँ पे प्राप्त होता है। मुझे यहाँ पे चेंज ना होने की वजह से मुझे अब बाहर जाना पड़ रहा है, चेंज लेके आना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कैश ही है, यहाँ पेटीएम या गूगल पे वगैरह नहीं चलता है, इसलिए यहाँ जब भी आए आप कैश लेके ही आए।